Hello everyone, welcome back to a new session. Today we discuss how to do addition or subtraction of single digit on abacus with the help of without complement. I hope आपने last videos में how to draw and identify the bits सीख लिया होगा. अगर आपने वो video नहीं देखा है तो पहले वो video देख लें. तो चलिए start करते हैं abacus without complement level 1 part 3. As we already know, abacus 4 topics पर mainly based. Number 1, without complement, जिसे हम without friend भी बोलते हैं. Second topic है 5 complement, जिसे हम 5 friend भी बोलते हैं. Third topic है tense complement, जिसे हम tense friend भी बोलते हैं. And last topic is mixed complement, जिसे हम mixed friends भी बोलते हैं. आज हम विदाउट कॉम्प्लीमेंट को कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले हम एक और बार जान लेते हैं विदाउट कॉम्प्लीमेंट और फ्रेंड्स क्या होता है. जब हम इस एबकस टूल पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट्स टेक सम एग्जांपल. सबसे पहले मैं 2 बना देता हूं. ये हमारा बन गया 2. अगर हमें इसमें 2 ऐड करना हो तो हमें 2 बिट्स को वैल्यू बार से टच करना पड़ेगा. तो हमारा आंसर आ गया 4. एक और नंबर ड्रॉ करते हैं और बनाते हैं 1 और इसमें ऐड करते हैं 2, तो ये बन गया हमारा 3. तो आपने देखा होगा मैंने ऐसा कोई सम नहीं बोला जो मैं अभी ना कर पाऊं. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और ड्रॉ करते हैं 4 और इस 4 में 1 ऐड करने की कोशिश करता हूं. क्या 1 ऐड करने के लिए हमारे पास 1 बिट्स अवेलेबल है? जी नहीं, क्योंकि लोअर साइड में सिर्फ 4 बिट्स ही होती है और चारों बिट्स हमने वैल्यू बार से टच करवा दिया है. अगर हमें इसमें 1 ऐड करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास नीचे कोई भी बिट्स अवेलेबल नहीं है. तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट मींस जो बिट्स हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं बिट्स को यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस 4 बिट्स में मैं 1 ऐड कर सकता हूं? नहीं. क्या मैं 2 बिट्स ऐड कर सकता हूं? जी नहीं. 3 बिट्स? नहीं. 4 बिट्स? नहीं. लेकिन इस 4 में मैं 5 ऐड कर सकता हूं क्योंकि ऊपर वाले बिट्स का वैल्यू 5 होता है. तो मैं इसको वैल्यू बार से टच करूंगा तो 4 में 5 ऐड किया तो आंसर आ गया 9. तो ये है हमारा विदाउट कॉम्प्लीमेंट और आज हम इसके बेसिस पर सिंगल डिजिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो एक सम ड्रॉ करते हैं. इससे पहले मैं इन सबको क्लियर कर देता हूं और ड्रॉ करते हैं 3+1. तो 3+1 ड्रॉ करने के लिए हम 1 स्लॉट पर आएंगे और ड्रॉ करेंगे 3 और इस 3 में 1 ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे 1. तो हमारा आंसर आ गया है 4 क्योंकि इस वैल्यू बार से 4 बिट्स टच हो रही हैं. तो आंसर आ गया हमारा 4. मूव टू नेक्स्ट सम 5+2. इससे पहले मैं इन सब बिट्स को रिमूव कर देता हूं और बनाते हैं 5. तो ये हमारा बन गया 5 और इसमें हमें 2 ऐड करना है तो लोअर 2 बिट्स को हम वैल्यू बार से टच करेंगे तो ये हमारा बन गया 7. मूव टू नेक्स्ट सम 8-3. तो चलिए 8 बनाते हैं. आई होप आप सबको 8 बनाना आता होगा. तो 8 बनाने के लिए हमें 5 को वैल्यू बार से टच करना पड़ेगा और 3 बिट्स लोअर साइड के हमें वैल्यू बार से टच करेंगे तो ये हमारा बन गया 8. अब इसमें -3 करना है तो लोअर साइड के सारे बिट्स को हम रिमूव कर देंगे तो ये हमारा बन गया 5. नेक्स्ट सम इज 3+6.
तो 3 प्लस 6 बनाने के लिए हमें वैल्यू बार के लोअर साइड 3 बिट्स को वैल्यू बार से टच करना पड़ेगा, और इसमें हमें 6 ऐड करना है। मीन्स इसके लिए हमें ऊपर के 5 बिट्स के साथ साथ एक लोअर बिट्स को वैल्यू बार से टच करेंगे, तो आंसर आ गया हमारा 9। अभी हमने 2 रोज सिंगल डिजिट एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए थे, अब हम 3 रोज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए एक सम लेते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 5। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पहले 2 ड्रॉ करना होगा, 2। इसके बाद हमें 1 ऐड करना है, 1 प्लस 5। तो ऊपर वाले बिट्स को हम वैल्यू वाले से टच करेंगे, तो ये हमारा बन गया 5। तो आंसर इज 8। मूव टू नेक्स्ट सम इज 5 प्लस 4 माइनस 3। इससे पहले मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं और बनाते हैं 5 प्लस 4 माइनस 3, तो ये हमारा बन गया 6। नेक्स्ट सम इज 2 प्लस 5 माइनस 1। तो 2 बनाने के लिए 2 बिट्स को वैल्यू बार से टच करेंगे, +5 ऐड करेंगे और -1, मीन्स वैल्यू बार से हम 1 बिट्स को दूर ले जाएंगे, तो ये हमारा बन गया 6। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक टिप देता हूं, अगर आप ये करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं सब बिट्स को रिमूव कर देता हूं पहले। तो हम सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल +1 -1। हम 1 to 20 एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो बिट्स हम एडिशन में लगाएंगे सेम बिट्स को हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है और इससे आपको टूल माइंड में सेट हो जाएगा। तो +2 -2, +3 -3, +4 -4, +5 -5, +6। बनाने के लिए ऊपर वाले 1 बिट और नीचे वाले 1 बिट को हम वैल्यू से टच करेंगे, तो ये हमारा बन गया 6 -6, +7 -7, +8 -8, +9 -9। तो 10 बनाने के लिए हम 1s rod के साथ 10s rod भी यूज करेंगे। तो 10s पर बनाएंगे 1 और 1s rod पर 0, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0। तो -10 के लिए -10, +11 -11, +12 -12, +13 -13, +14 -14, +15 -15, +16 -16, +17 -17, +18 -18, +19 -19, +20 के लिए हम 1s rod पर 0 छोड़ेंगे और 10s rod पर हम ड्रॉ करेंगे 2 बिट्स, तो ये हमारा बन गया 20 और -20। ऐसे ही आप 21 -21, 22 -22 और फर्दर आप इसको काउंट कर सकते हो। तो इसी तरह आप इसको 100 तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें, क्योंकि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी ये टूल आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप मेंटल मैथ्स कर पाएंगे विदाउट
एबकस टूल। आप डेली 10 सम्स प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।